स्टूडेंट्स वेलकम टू सोशल स्कूल मैं हूं आपकी अनुषिया दीदी एंड कैसे है मेरे सारे स्टूडेंट्स आई होप आप सब ठीक हो एंड आई आल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले जिसने भी ज्वाइन कर लिया है क्लास को जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दो मुझे आइडिया लग जाए कि हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन तो हमारा एक चैप्टर है कंटेम्प्ररी साउथ एशिया आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का वन शॉट रखने वाले हैं मतलब इस एक क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे ठीक है तो हाँ कौन कौन आ गया है क्लास में बस एक मिनट में तुम लोग तुम लोगों के ही कमेंट्स को लगा रही हूं फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट ओके सबको हाय सबको गुड आफ्टरनून ठीक है एक एक बार सब लोग इस सेशन को शेयर कर दो सारे क्लासमेट्स को बता दो दीदी -दी लाइव है हम लोग वन शॉट स्टार्ट करने वाले हैं फिर आगे बढ़ते हैं करते हैं स्टार्ट कूल है भावना हाय लीना कृष्णा हाय आज आपका बर्थडे है ए के विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे आद्या हिमांशी श्रेयांश सबको गुड आफ्टरनून ऋतु हाय टीनू सौम्या सबको हाय चलो यार सब लोग एनसीआरटी ओपन कर लो कंटेम्प्री साउथ एशिया आज की क्लास में हमें इस चैप्टर को खत्म करना है अगर यहाँ पर टेंथ क्लास का कोई भी स्टूडेंट है तो आज रात को 9 बजे टेंथ क्लास का एक सेशन होगा जिसमें हम एस एस टी के सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं मैराथन होगा सब लोग टाइम से पहुंच जाना चलो कंटेम्प्री साउथ एशिया एनसीआरटी ओपन करो सब लोग सेशन स्टार्ट करते हैं काफी आसान चैप्टर है तुम लोग बस सुनते जाना प्यार से सुनते जाना एनसीआरटी साइड में ओपन कर लो चैप्टर इजी लगेगा इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया ओके चलो यार सेशन स्टार्ट करते हैं कंटेम्प्री साउथ एशिया आज इस चैप्टर का वन शॉट हमें कवर करना है ओके तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग साउथ एशिया के कंट्रीज के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझने वाले हैं कोल्ड वॉर के बाद साउथ एशिया के रीजन में क्या बदलाव आया ये हम थोड़ा समझने वाले हैं इस टाइम के अराउंड हम देखते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान ये दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर बन जाती हैं जिनसे एक ग्लोबल अटेंशन भी मिलता है इस रीजन को हम ये भी समझेंगे कि कैसे इस रीजन में कंफ्लिक्ट लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं हम क्या कर सकते हैं इस रीजन में शांति बनाए रखने के लिए पीसफुल मेजर्स क्या ले सकते हैं ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आप इस चैप्टर से सीखने वाले हो क्योंकि चैप्टर के नाम में ही साउथ एशिया है तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि साउथ एशिया होता क्या है वॉट इज साउथ एशिया तो जब हम पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं साउथ एशिया साउथ एशिया का मतलब होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका ये याद रहेगा सबको जब हम लोग साउथ एशिया कहते हैं तो इन कंट्रीज के बारे में बात हो रही होती है बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका ठीक है एक बार मैप में देख लेते हैं। ये अपना इंडिया ठीक है नेपाल बांग्लादेश भूटान पाकिस्तान यहाँ नीचे दो आइलैंड नेशन श्रीलंका और मालदीव और क्या बता रहे हैं आपको थोड़ा और ज्योग्राफी समझते हैं इस रीजन का तो साउथ एशिया में एकदम नॉर्थ की तरफ आप देखोगे कि नॉर्थ की तरफ क्या है हमारे हिमालयाज हैं ठीक है थीके? तो साउथ एशिया में आप देखोगे कि ऊपर की तरफ क्या है हमारे हिमालयाज हैं अगर हम साउथ में जाएं साउथ एशिया में एकदम साउथ में हम फोकस करें तो आप देखोगे कि साउथ में क्या है इंडियन ओशन है ओके okay? यहाँ पर क्या है इंडियन ओशन है अगर हम वेस्ट में जाएं तो वेस्ट में हमें दिखेगा अरेबियन सी और अगर हम ईस्ट में जाएं तो हमें दिखेगा बे ऑफ बंगाल ठीक है तो आपसे कह रहे हैं कि काफी यूनिक सी जोग्राफी है यहाँ की नॉर्थ की तरफ हिमालय साउथ में इंडियन ओशन वेस्ट में अरेबियन सी ईस्ट में बे ऑफ बंगाल एक मतलब यूनिक सी जोग्राफी है इस रीजन की ठीक है यहां पर आप देखोगे इस एरिया में लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं लोगों का कल्चर अलग है तो ये सारी चीजें आपको इस पैराग्राफ में समझाई जा रही हैं। कह रहे हैं कि जब हम इन जनरल साउथ एशिया की बात करते हैं तो हम अक्सर अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इंक्लूड कर लेते हैं उस डिस्कशन में ठीक है चाइना का बहुत ज्यादा प्रभाव है इस रीजन के ऊपर पर हम चाइना को साउथ एशिया का पार्ट नहीं मानते चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है यहां पर पर चाइना को इस रीजन का पार्ट नहीं माना जाता नेक्स्ट क्या कह रहे हैं साउथ एशिया की जो अलग अलग कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम रहा है जैसे अगर हम श्रीलंका एंड इंडिया की बात करें तो जब श्रीलंका एंड इंडिया को आजादी मिली थी उसके बाद से श्रीलंका और इंडिया में डेमोक्रेसी चलती आ रही है ठीक है ये नहीं बोला जा रहा कि इंडिया की डेमोक्रेसी तो परफेक्ट है पर हाँ आपको ये बोला जा रहा है कि आजादी मिलने के बाद से हमने सक्सेसफुल तरीके से इंडिया में डेमोक्रेसी रखी है बहुत सारे ऐसे देश थे जो डेमोक्रेसी नहीं रख पाए थे ओके okay, जैसे अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पर सिविलियन रूलर्स भी रह चुके हैं यहाँ पे मिलिट्री रूलर्स भी रह चुके हैं तो ये सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम रहा है पाकिस्तान बिगेन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड कोल्ड वॉर के बाद का जो पीरियड था उसमें पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है अंडर बेनाजी भुट्टो एंड नवाज शरीफ फिर हम देखते हैं 1999 में एक मिलिट्री कूप हो जाता है पाकिस्तान में एंड ये सारी चीजें अभी आपको बस ऊपर ऊपर से बताई जा रही हैं अभी आगे जाकर पूरा प्रॉपर टॉपिक आएगा जिसमें आप पाकिस्तान के बारे में इन डिटेल एक एक लाइन पढ़ोगे कि कब मिलिट्री टेक ओवर हुआ कब डेमोक्रेसी आई डेमोक्रेसी क्यों नहीं चल पा रही थी ये सारी चीजें सिमिलरली नेपाल और बांग्लादेश के बारे में भी कुछ कुछ आपको बता रखा है 2006 तक नेपाल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी uh, 2008 में क्या हुआ नेपाल में मोनार्क के सिस्टम को हटा दिया जाता है एंड उसके बाद से नेपाल हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ठीक है सो फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ बांग्लादेश एंड नेपाल बांग्लादेश और नेपाल के एक्सपीरियंस को देखकर हम ये चीज कह सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में डेमोक्रेसी ना रही हो पर इन दोनों कंट्रीज के एग्जाम्पल को देखकर हमें ये समझ में आता है कि साउथ एशिया के लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं अगर वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी तो उन्होंने कुछ ना कुछ हंगामा मचाकर उस सिस्टम को हटाकर वहां पर डेमोक्रेसी इवेंचुअली ले आए थे वो ठीक है नेक्स्ट भूटान के बारे में बता रहे हैं कि भूटान कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना 2008 में ठीक है एंड वहां पे किंग तो थे ही साथ ही साथ वहां पर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी चलती है मालदीव के बारे में आपको बता रहे हैं कि एक आइलैंड नेशन है और क्या बता रहे हैं 1968 तक तो यहाँ सल्तनत का सिस्टम चलता था फिर बाद में यहाँ पे रिपब्लिक स्टार्ट हुआ और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया 2005 जून 2005 में मालदीव के पार्लियामेंट में यह डिसीजन लिया जाता है कि अब से मालदीव में क्या होगा मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाएगा मालदीव में कौन से पार्टी का डोमिनेंस ज्यादा है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे एमडीपी कहा जाता है इस पार्टी का इन्फ्लुएंस या डोमिनेंस मालदीव में ज्यादा रहा है और क्या कह रहे हैं डिस्पाइट मिक्स रेकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस पीपल इन ऑल दीज कंट्रीज शेयर एस्पिरेशन फॉर डेमोक्रेसी चाहे मालदीव हो या बांग्लादेश हो नेपाल हो इन सारे देश में अलग अलग सिस्टम रहा है अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम रहा है पर एक चीज कॉमन रही है कि इन सब को डेमोक्रेसी का एक एस्पिरेशन था ये सारे लोग डेमोक्रेसी को लाना चाहते थे अपने देश में एंड इसी के चलते हमने एक सर्वे भी करा था ठीक है अलग अलग कंट्रीज में हमने ये सर्वे करा ये देखने के लिए कि क्या इन कंट्री के लोगों को डेमोक्रेसी सही में पसंद है भी या नहीं है ठीक है तो इस सर्वे से हमें थोड़ा अंदाजा लगा कि पाकिस्तान के अलावा बाकी सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप से ज्यादा बढ़िया माना जाता है ठीक है तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ डेटा दे रखा है तो जब हमने बांग्लादेश से पूछा तो बांग्लादेश में 69 लोगों 69% लोगों ने कहा कि हमें तो डेमोक्रेसी पसंद है इंडिया में 70 परसेंट लोगों ने कहा नेपाल में 62 परसेंट लोगों ने कहा श्रीलंका में 71 परसेंट लोगों ने कहा कि हमें तो डेमोक्रेसी ज्यादा पसंद है पर पाकिस्तान में 37 परसेंट लोगों ने कहा ठीक है और फिर बांग्लादेश में छह ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि कभी कभी डिक्टेटरशिप ज्यादा बढ़िया रहता है डेमोक्रेसी से इंडिया में नौ परसेंट लोगों ने कहा नेपाल में दस पाकिस्तान में चौदह परसेंट लोगों ने ये कहा ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा एक डेटा दिखा रहे हैं कि यहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है साउथ एशिया के रीजन में ये डेटा हल्का सा पाकिस्तान में अलग था नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि अब हम इन डिटेल ये जो चार कंट्रीज हैं इन कुछ चार कंट्रीज के बारे में इन डिटेल समझते हैं कि इनके यहां पर कैसा पॉलिटिकल सिस्टम रहा है इन कंट्रीज की एक एक करके हिस्ट्री देखते हैं तो यहां तक तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था अब यहां से असली चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो यहां तक कूल है क्या सबको आगे बढ़े जल्दी जल्दी बता दो इजी कोई दिक्कत नहीं है यहां तक ओके <coughs>

के के शब्दों ऊपर के थोड़ा ध्यान दो ही गॉट हिम सेल्फ इलेक्टेड मतलब ऐसा नहीं था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन है ठीक है सम इलेक्शन में जीत जाते हैं और ये कंट्री को संभालना स्टार्ट कर देते हैं कुछ टाइम के बाद क्या होता है लोग इनको पसंद नहीं करते थे लोग हंगामा मचाना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें तो ये लीडर नहीं चाहिए तो ऐसे में उन्हें अपने पोजीशन को खाली करना पड़ जाता है दौरान एक मिलिट्री टेक ओवर होता है एंड नेक्स्ट लीडर मिलिट्री टेक ओवर के बाद जो नेक्स्ट लीडर आते हैं उनका नाम था जनरल याया खान जनरल याया खान के रूल के टाइम पर पाकिस्तान बांग्लादेश के क्राइसिस को देखता है बांग्लादेश क्राइसिस मतलब पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था इसे फिर बांग्लादेश के लोग हंगामा मचाते हैं कि हमें पाकिस्तान के अंडर नहीं रहना हमें खुद की कंट्री बनानी है तो इस इवेंट को बांग्लादेश क्राइसिस बोला जा रहा तो याया खान जब लीडर थे तब बांग्लादेश क्राइसिस होता है और ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है और एक खुद की कंट्री बना लेता है बांग्लादेश ठीक है नेक्स्ट क्या होता है इसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है एंड इस इलेक्टेड गवर्नमेंट के लीडर कौन थे जुल्फिकर अली भुट्टो ठीक है ये 1971 से लेकर 1977 तक पावर में थे फिर भुट्टो गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और जनरल जिया उल हक 1977 में पावर में आ जाते हैं पर जब जनरल जे, जिया उल हक पावर में आते हैं तो पाकिस्तान के लोग फिर से हंगामा मचाते हैं कि हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए हमें ऐसे मतलब एक मिलिट्री रूल ऑफ चीज नहीं चाहिए ठीक है तो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट करने लगते हैं लोग एंड उसके बाद फिर से इलेक्शन होता है 1988 के अराउंड एंड लीडर आते हैं बेनाजीर भुट्टो ठीक है फिर बेनाजीर भुट्टो आ जाती हैं इन पीरियड फॉलोड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स सेंटर्ड अराउंड इस टाइम के अराउंड पाकिस्तान में दो पार्टी थी जिनके बीच में टफ कॉम्पिटिशन रहता था एक पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग ठीक है अब ये जो डेमोक्रेसी वाला फेज है ये 1999 तक चलता है नाइनटीन तक डेमोक्रेसी का फेज चलता है उसके बाद क्या होता है फिर से आर्मी टेक ओवर हो जाता है जनरल परवेश मुशर्रफ आते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हटा देते हैं 2001 में जनरल मुशरफ अपने आप को प्रेसिडेंट बना देते हैं ठीक है और इस दौरान क्या हो रहा था मिलिट्री रूल चल रहा था पाकिस्तान में ठीक है उसके बाद क्या हुआ फिर हम देखते हैं टू के बाद से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल वगैरह खत्म हुए एंड धीरे-धीरे डेमोक्रेसी की शुरुआत होने लगती है तो हमने देखा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को आने में टाइम लग गया बीच-बीच में ऐसा होता था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती थी पर फिर उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया जाता था फिर क्या होता था मिलिट्री टेकओवर हो जाता था अचानक से तो ऐसा क्यों होता था कि पाकिस्तान ने इतना स्ट्रगल करा डेमोक्रेसी लाने में क्या कारण था जिसकी वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी अच्छे से चल नहीं पा रहा था वो समझते हैं तो अगर हम पाकिस्तान की सोसाइटी को देखें उनकी सोसाइटी में मिलिट्री क्लर्क जी बड़े बड़े जमींदार लोग रॉयल लोग इन लोगों का थोड़ा डोमिनेंस ज्यादा है ठीक है एंड ये लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट को उतना पसंद नहीं करते ये मिलिट्री गवर्नमेंट को ज्यादा पसंद करते थे नेक्स्ट और क्या कारण है इस टाइम पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी कुछ कुछ दिक्कतें चलती रहती थी तो बहुत सारे लोग थे जिनको लगता था कि क्योंकि एक वॉर का माहौल है तो इसीलिए मिलिट्री टेक ओवर ज्यादा बेटर रहेगा डेमोक्रेसी का भी टाइम नहीं है कुछ लोग ऐसे भी थे पाकिस्तान में जिनको लगता था कि पॉलिटिकल पार्टीज का तो सिस्टम ही खराब है पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो सेल्फिश होते हैं वो करप्ट होते हैं इससे अच्छा है कि हम आर्मी से बोले वो देश को ज्यादा बढ़िया अच्छे तरीके से चला लेंगे ठीक है नेक्स्ट इंटरनेशनल सपोर्ट पाकिस्तान को कभी इंटरनेशनल लेवल पर किसी ने ज्यादा सपोर्ट नहीं दिखाया कि भाई तुम डेमोक्रेसी ही अपनाओ ठीक है नॉर्मली क्या होता है अगर कहीं पर डेमोक्रेसी हटने लगती है तो बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर पड़ जाता है उस देश के ऊपर कि ये गलत है तुम डेमोक्रेसी को अपनाओ पर पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं हुआ यूनाइटेड स्टेट्स एंड और भी कुछ कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने पाकिस्तान में अपने इंटरेस्ट को नजर में रखते हुए मिलिट्री रूल को थोड़ा ज्यादा इंकरेज कर दिया था तो ये भी एक कारण है जिसके वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आने में टाइम लग गया ठीक है कह रहे हैं कि पर एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि हालांकि डेमोक्रेसी को आने में टाइम लगा पाकिस्तान में पर हमने बार बार पढ़ा ना जब भी कोई मिलिट्री टेक ओवर होता था कुछ टाइम के बाद लोग हंगामा मचा के कहते थे कि नहीं हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट्स होते थे तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग ही मिलिट्री टेक ओवर के आ, साइड है है ना उन लोगों ने भी डेमोक्रेसी के लिए स्टैंड लिया है पाकिस्तान में बहुत ब्रेव मीडिया है बहुत फ्री मीडिया है जो मतलब बहुत ओपनली अपने कंट्री के सिचुएशंस को डिस्कस करती थी ह्यूमन राइट्स के बारे में मुद्दों को उठाती थी तो ये तो था पाकिस्तान की पूरी कहानी थी ये अब हम बांग्लादेश की कहानी को समझते हैं तो 1947 से 1971 तक तो बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और बांग्लादेश को अगर हम देखें तो हमारे इंडिया का जो बंगाल और आसाम का थोड़ा पार्ट है उस हिस्से को हमने पाकिस्तान को दे दिया था क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे तो उन हिस्सों से बांग्लादेश बना है अब यहाँ के जो लोग हैं क्योंकि बंगाल और आसाम से ये हिस्सा बना तो यहाँ के जो लोग हैं इनका थोड़ा कल्चर बेंगोली कल्चर है ठीक है पर पाकिस्तान वेस्टर्न पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे थे इस एरिया में जबरदस्ती उर्दू इंपोज कर रहे थे यहां के लोगों से कह रहे थे कि तुम अपने कल्चर को भूल जाओ और तुम उर्दू बोलना स्टार्ट कर दो हमारे कल्चर को अपनाने लग जाओ ये चीज बांग्लादेश के लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी उनको अपना बंगाली कल्चर उनको अपना बंगाली लैंग्वेज ज्यादा अच्छा लगता था उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि वेस्ट पाकिस्तान उनके ऊपर जबरदस्ती उर्दू उनके ऊपर फोर्स कर रहा है ऐसे में यहां पर एक लीडर बनते हैं बांग्लादेश में इनका नाम याद रखेंगे हम शेख मुजिबुर रहमान ठीक है शेख मुजिबुर रहमान बोलने लग जाते हैं बांग्लादेश में कि हमें तो पाकिस्तान से अलग होना है और हम खुद की कंट्री बनाना चाहते हैं नाइनटीन में क्या होता है एक पार्टी थी अवामी लीग और अवामी लीग के लीडर कौन थे शेख मुजिबुर रहमान तो 1970 में जब इलेक्शन होता है ईस्ट पाकिस्तान में आवामी लीग जीत जाती है मतलब शेख मुजिबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान में जीत जाते हैं पर यह बात वेस्ट पाकिस्तान को पसंद नहीं आती ठीक है क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि यार ईस्ट पाकिस्तान में तो एक ऐसा बंदा जीता है जो खुद का देश बनाना चाहता तो वेस्ट पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं बांग्लादेश पहुंच जाते हैं वहां पे शेख मुजिबुर रहमान को अरेस्ट कर लेते हैं उस टाइम पर पाकिस्तान में रूलर कौन थे याया खान याया खान अपनी मिलिट्री लेकर आ जाते हैं बांग्लादेश में और यहाँ पर बंगाली लोगों को परेशान करा जा रहा था सप्रेस करा जा रहा था तो अब अगर ये लोग बांग्लादेश में अगर लोगों को परेशान किया जाएगा टॉर्चर किया जाएगा तो ये लोग क्या करते हैं ये लोग डर के मारे भाग भाग कर इंडिया आना चालू कर देते हैं है ना उनके देश में तो आर्मी आ रखी है तो ये लोग अपने आप को बचाने के लिए भाग भाग कर इंडिया आना चालू कर देते पर ये चीज इंडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी 1971 में यार हम खुद परेशान चल रहे थे हमारी इकोनॉमी तब खुद डाउन चल रही थी जो इंडिया के सही में इंडिया के लोग थे उन्हीं को संभालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था ऊपर से बांग्लादेश से लोग भाग भाग कर इंडिया आ रहे हैं तो हमने इन बांग्लादेश के लोगों से बोला कि भाई रुक जाओ अगर तुम्हें खुद का देश बनाना है तो बना लो हम तुम्हारी मदद कर देंगे पर अपने यहां से लोगों को इंडिया भेजना बंद कर दो ठीक है अब जैसे ही हम ये बोलते हैं पाकिस्तान गुस्सा हो जाता है पाकिस्तान बोलता है कि यार इंडिया तो हमारे ही इंडिया तो पाकिस्तान के ही एक इलाके को भड़का रहा है कि तुम पाकिस्तान छोड़ो खुद का देश बनाओ इसी के चलते क्या होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होता है इस वॉर में बहुत बढ़िया तरीके से पाकिस्तान को हराते हैं हम जिस वजह से बांग्लादेश बनता है 1971 में इंदिरा गांधी हमारी लीडर थी एंड इस वॉर में क्योंकि हम पाकिस्तान को हरा देते हैं इंदिरा गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ठीक है चलो इसके बाद क्या होता है बांग्लादेश खुद का संविधान बनाता है बांग्लादेश कहता है कि भाई हम आज से सेक्युलर हम आज से डेमोक्रेटिक हम आज से सोशलिज्म को मानेंगे ठीक है पर अभी तक हमारे कहानी के जो हीरो थे शेख मुजिबुर थोड़ा -थोड़ा आगे जाकर अपना रंग बदलने लगेंगे ठीक है अभी तक हीरो चल रहे थे अभी ये थोड़ी मतलब विलन टाइप हरकत करेंगे ठीक है चलो तो ये बात है 1975 की शेख मुजिबुर रहमान क्या करते हैं संविधान को एमेंड कर देते हैं और वो कह देते हैं कि आज से बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चलेगी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगी ठीक है और क्या कहते हैं शेख मुजिबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान कहते हैं कि उनकी पार्टी का नाम था आवामी लीग तो शेख मुजीबुर रहमान कहते हैं कि आज से अवामी लीग के अलावा कोई और पार्टी अलाउड ही नहीं है बांग्लादेश में तो आवामी लीग के अलावा बाकी सारे पार्टीज को बैन कर दिया जाता है ठीक है तो इस दौरान बांग्लादेश में धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लग जाते हैं एंड फिर अचानक से क्या होता है शेख मुजीबुर रहमान को एसेनेट कर दिया जाता है मार दिया जाता है ठीक है उसके बाद अगस्त 1975 में एक मिलिट्री अपराइजिंग होती है और एक नए मिलिट्री रूलर आते हैं यहाँ पर जिनका नाम था जिया उर रहमान ठीक है जिया उहमान क्या करते हैं ये बांग्लादेश नेशनल पार्टी को बनाते हैं एंड 1979 में ये इलेक्शन को जीत जाते हैं पर जिया उहमान को भी एसेनेट कर दिया जाता है मार दिया जाता है उसके बाद फिर से मिलिट्री टेक ओवर होता है और एक नए लीडर आते हैं जनरल एच एम अरशद ठीक है एक नए लीडर आ जाते हैं पर जब तक ये लीडर आते हैं बांग्लादेश के लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या चल रहा है एसासीनेशन होता है फिर मिलिट्री टेक ओवर होता है फिर मिलिट्री टेक ओवर होता है तो जब तक ये लीडर आते हैं जनरल अरशद बांग्लादेश के लोग हंगामा मचाना स्टार्ट कर देते हैं कि बहुत हो गया अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए हमें अब ऐसे मिलिट्री टेक ओवर नहीं चाहिए ठीक है तो बहुत ज्यादा प्रेशर था जनरल अरशद के ऊपर फिर क्या होता है जनरल अरशद अपने को प्रेसिडेंट बना देते हैं फाइव इयर्स तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे ऐसा कह देते हैं जनता फिर से प्रोटेस्ट करती है कि नहीं जनरल अरशद तो हमें चाहिए ही नहीं तो 1990 में जनरल अरशद को अपने पोजीशन को खाली करना पड़ता है स्टेप डाउन करना पड़ता है फिर 1991 में इलेक्शन होते हैं एंड उसके बाद से हमने देखा है बांग्लादेश में डेमोक्रेसी ही चल रही है मल्टी पार्टी इलेक्शन ही चल रहे हैं तो इसी के साथ हमने बांग्लादेश की भी कहानी कंप्लीट कर ली है अब हम नेपाल स्टार्ट करते हैं यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं जल्दी जल्दी बताना जरा कमेंट में इजी आगे बढ़े ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेपाल स्टार्ट करते हैं ओके नेपाल के बारे में समझते हैं तो नेपाल एक हिंदू किंगडम रहा है ठीक है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी चलती आ रही थी काफी लंबे टाइम तक तो आ, हमने देखा है कि नेपाल में अलग अलग टाइम पीरियड में यहाँ के जो कॉमन लोग थे उन्होंने अक्सर आवाज उठाई है कि हमें तो प्रॉपर एक गवर्नमेंट चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए तो जब भी लोग ऐसे बोलते थे कि हमें डेमोक्रेसी बढ़ानी है नेपाल में तो क्या होता था नेपाल में राजा हुआ करते थे राजा अपनी आर्मी को यूज करके हमेशा लोगों के डेमोक्रेटिक मूवमेंट को बंद करा देते थे चुप करा देते थे ठीक है फाइनली क्या होता है 1990 में राजा को मानना पड़ जाता है लोग इतना हंगामा मचाते हैं कि 1990 में लोगों को मानना पड़ जाता है कि चलो हम एक डेमोक्रेटिक संविधान बनाएंगे ठीक है हावेवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैड अ शॉर्ट एंड ट्रबल्ड करियर ठीक है राजा ने बीच में हाथ वो कह दिया था कि ठीक है तुम्हें संविधान बनाना है तो बना लो पर डेमोक्रेसी इतने आसानी से नहीं आई थी नेपाल में ड्यूरिंग द नाइंटीज नाइन्टीज के टाइम पर हम देखते हैं कि नेपाल में माओइस्ट लोग हुआ करते थे और ये जो माओइस्ट लोग थे ये राजा के खिलाफ थे ये राजा के सिस्टम को हटाना चाहते थे और ये वायलेंस का यूज कर रहे थे राजा के सिस्टम को हटाने के लिए तो इस दौरान हमने देखा कि नेपाल में एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है तीन ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे एक थे मोनार्किस्ट फोर्सेस, एक थे डेमोक्राट और एक थे माओइस्ट। ठीक है तो कौन से तीन लोग आपस में लड़ रहे थे मोनार्किस्ट मोनार्किस्ट मतलब ऐसे लोग जो राजा को पसंद करते हैं जो राजा रानी के सिस्टम को रखना चाहते हैं एक थे डेमोक्रेट्स डेमोक्रेट मतलब ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी को लाना चाहते हैं और एक थे माविस्ट। माविस्ट मतलब जो कर रहे हैं और राजा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि राजा क्या करते हैं राजा कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट को बंद कर लू तो लोगों को बहुत बुरा लगता है कि पार्लियामेंट ही बंद हो गया मतलब नेपाल में जो थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी आई थी उसको भी राजा बंद कर देते हैं कैसे पार्लियामेंट को हटाकर ठीक है अप्रैल 2006 तक आते आते पूरे देश में नेपाल में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं लोग बोलने लग जाते हैं कि हमें तो डेमोक्रेसी ही चाहिए राजा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है द स्ट्रगलिंग प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस अचीव देयर फर्स्ट विक्ट्री व्हेन किंग वाज फोर्स टू रिस्टोर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं कि राजा के ऊपर इस दौरान इतना प्रेशर डाला गया कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए कि फाइनली अप्रैल 2002 में जो हटाया गया था पार्लियामेंट उस पार्लियामेंट को राजा फिर से रिस्टोर कर देते हैं बीच में पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाता है लोग हंगामा मचाते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए राजा के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डलता है जिस वजह से राजा बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं पार्लियामेंट फिर से ओपन कर लो इन मूवमेंट में वायलेंस नहीं था ठीक है हालांकि डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाई जा रही थी पर ज़्यादा यूज नहीं किया गया था इस मूवमेंट में सेवन पार्टी अलायंस एस पार्टी अलायंस थी इस पार्टी अलायंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस मूवमेंट में तो इसके साथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है नेपाल का डेमोक्रेसी वाला जर्नी नेपाल हैज अंडरगोन अकमेंट इन हिस्ट्री बिकॉज इट फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल फिर क्या होता है नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाती है नेपाल अपना एक संविधान भी बनाती है ठीक है कुछ लोग ऐसे थे नेपाल में जिनको लग, लगता था कि यार राजा रानी वाला सिस्टम ही बेटर है पर ज्यादातर लोग ऐसे थे नेपाल में जो डेमोक्रेसी को फेवर करते थे ठीक है नेक्स्ट फाइनली 2008 में हम देखते हैं कि नेपाल में राजा रानी के सिस्टम को मोनार्की के सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाता है हटा दिया जाता है उसके बाद से नेपाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका है 2015 में नेपाल एक नया संविधान लेकर आता उससे पहले भी उनके पास संविधान था पर तब राजा हुआ करते थे ना तो उस संविधान में राजा के पास थोड़ी ज्यादा पावर हुआ करती थी फिर 2008 में तो राजा हट गए तो इसीलिए ये लोग एक नया प्रॉपर संविधान बनाते हैं 2015 में ओके चलो तो नेपाल भी हो गया अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे श्रीलंका की कहानी आपको आसान लगेगी क्योंकि आप ये टेंथ में भी पढ़कर आए हो ठीक है तो श्रीला श्रीलंका को आजादी कब मिली थी श्रीलंका को आजादी मिली थी 1948 में एंड श्रीलंका की ना थोड़ी अलग कहानी है जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ तो क्या हो रहा था मिलिट्री टेकओवर हो रहा था नेपाल में क्या था राजा परेशान कर रहे थे लोगों को श्रीलंका में ऐसा नहीं था श्रीलंका में उन्हीं के देश के दो कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ रहे थे तो श्रीलंका में कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिन्हला ये सिन्हलीज भाषा बोलते हैं और श्रीलंका में तमिलियंस भी हैं ऐसे लोग जो तमिल भाषा बोलते हैं तो श्रीलंका में क्या दिक्कत थी ये जो सिंहला कम्युनिटी के लोग थे ये तमिल कम्युनिटी के लोगों को नीचा दिखा रहे थे परेशान कर रहे थे सिंहला बोलने वाले सिंहला कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में थे तो गवर्नमेंट में भी सिंहला कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे तो ये इस टाइप के कानून बनाते रहते थे जिससे तमिल लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था श्रीलंका में सरवाइव करना तमिल लोगों को अक्सर ऐसा लगता था कि उन्हें निग्लेक्ट करा जा रहा है उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इसी के चलते हम देखते हैं कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनती है 1983 के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम एल -E, बोला जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन को तो मान लो ये श्रीलंका है तो एल के लोग कहते थे कि श्रीलंका में इन्हें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन चाहिए तो श्रीलंका में इस हिस्से में तमिलियन ज्यादा हैं तो ये एल के लोग कहते थे कि हमें ये हिस्सा दे दो इसे हम तमिल एलम कहेंगे तमिल स्टेट कहेंगे और यहाँ पे तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे ठीक है तो एल और सिन्हलीस कम्युनिटी इन दोनों के बीच में क्लैशेस होते रहते थे अब ये जो तमिल लोग हैं ना जो श्रीलंका में आए हैं इनमें से काफी सारे तमिलियंस ऐसे हैं जो हमारे इंडिया के हैं और जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका में प्लांटेशन खोल रखा था तो बहुत सारे तमिलियंस हमारे देश से माइग्रेट करके श्रीलंका चले गए प्लांटेशन में उन्हें जबरदस्ती काम कराते थे एंड फिर ओवर द इयर्स वो वहीं पर सेटल हो गए तो देखा जाए तो इस प्रॉब्लम में इंडिया भी इन्वॉल्व है है ना हमारे कहीं ना कहीं वो हमारे ही तमिलियंस हैं तो काफी लंबे टाइम तक तो इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ बोला ही नहीं इस इशू को लेकर ठीक है इंडिया की गवर्नमेंट बहुत लंबे टाइम तक तो कुछ कहती ही नहीं है फिर 1987 के बाद हम देखते हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट इस इशू में धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लग जाती है इंडिया श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है एंड इंडिया डिसाइड करती है कि श्रीलंका में ये जो इशू है इस इशू को सॉर्ट सौ, करेंगे इसी के चलते हम श्रीलंका में अपनी आर्मी को भी भेजते हैं पर फिर क्या होता है जब हमारी आर्मी वहां पे जाती है तो हमारी आर्मी और एल के बीच में लड़ाई हो जाती है ठीक है और फिर हमें क्या करना पड़ता है हमें अपनी आर्मी को श्रीलंका से हटाना पड़ जाता है और श्रीलंका के लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा होता कि इंडिया के लोगों ने अपनी आर्मी कैसे भेज दी यहाँ पर फिर हमारा एल के साथ झगड़ा भी हो जाता फिर हमें अपनी आर्मी को श्रीलंका से हटाना भी पड़ जाता तो 1989 में हम अपनी आर्मी को श्रीलंका से हटाते हैं विदाउट एनी एक्चुअल सक्सेस है ना कोई वहां पर हम बदलाव नहीं ला पाते 1989 में हमें अपनी आर्मी विदाउट कोई सक्सेस हमें अपनी आर्मी को हटाना पड़ जाता है वहां से ठीक है बहुत लंबे टाइम तक श्रीलंका में ये दिक्कत चलती रही सिविल वॉर का माहौल था ये दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ते रहते थे फिर कुछ कुछ कंट्रीज नॉर्वे आइसलैंड कुछ कुछ कंट्रीज ने श्रीलंका में बोला कि यार ये सब करना ठीक नहीं है एंड फिर 2009 में एल को हटा दिया जाता है ठीक है एक और इंटरेस्टिंग चीज है श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था इतना भयंकर वायलेंस चल रहा था इसके बावजूद श्रीलंका ने बहुत बढ़िया ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके दिखाया इतने टेंशन चल रहे थे देश में उसके बावजूद श्रीलंका ने काफी बढ़िया डेवलपमेंट करके दिखाया ठीक है तो श्रीलंका पहली डेवलपिंग कंट्री थी वन ऑफ़ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री थी जिसने अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करके दिखाया ये इस इलाके में पहली कंट्री थी श्रीलंका जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करा इकोनॉमी को ओपन करा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इस रीज हालांकि सिविल वॉर चल रहा था उसके बावजूद बहुत बढ़िया पर कैपिटा इनकम दिखाया श्रीलंका ने ओके okay, तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया हमने पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नेपाल इन सब की हिस्ट्री पढ़ ली है अब थोड़ा समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या कंफ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है तो ये तो हम सबको पता है कि आजादी मिलते ही जब पार्टीशन हुआ तब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा इशू तो क्या है कश्मीर का इशू है ना अभी सुन लो कि हाँ कश्मीर का इशू है तुम्हारा एक चैप्टर आएगा थोड़ा लास्ट में एक चैप्टर आएगा जिसमें तुम्हें पूरी कश्मीर की कहानी सुनाई जाएगी ठीक है तो कश्मीर एक बहुत बड़ा इशू है ओके नेक्स्ट क्या हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बार बार वॉर्स भी हुए हैं 1947, 1965 पर ये कश्मीर वाला इशू हमारा सेटल नहीं हो पाता 1947 वाला जो वॉर था उस वॉर में क्या होता है पाकिस्तान हमारे कश्मीर के एक रीजन के ऊपर कब्जा करके बैठ जाता है जिसे हम पीओके कहते हैं 1971 में भी वॉर होता है है ना ये बांग्लादेश वाला वॉर था जिसके बाद बांग्लादेश बनता है तो 1971 में भी वॉर हुआ पर उस वॉर में भी कश्मीर वाला इशू सॉर्ट नहीं होता कश्मीर वाले इशू का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता और क्या दिक्कत है कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर को लेकर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ठीक है रेस लगी रहती है है ना इंडिया और पाकिस्तान हमेशा वेपन के मामले में कंपीट करते रहते हैं एंड दोनों ही कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन भी है तो 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट कंडक्ट करे थे पोखरान में उसके बाद पाकिस्तान ने भी चगाए हिल्स में अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करे थे ठीक है तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में टेंशन तो है पर ये पॉसिबिलिटी कि इंडिया और पाकिस्तान भयंकर वॉर करें न्यूक्लियर वेपन को यूज कर ले ये पॉसिबिलिटी काफी हद तक कम चल रही है ठीक है इंडिया अक्सर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को काफी चीजों के लिए ब्लेम करते हैं जैसे हमारे कश्मीर में जब कोई मिलिट्री अपराइजिंग होती है तो क्या लगता है वहां के लोगों को आर्म्स स्ट्रैटेजी ये सब कौन बता रहा है तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कश्मीर में मिलिटेंट मूवमेंट स्टार्ट कर रही है ठीक है हम लोग हमारा ये मानना है कि ये लोग टेररिस्ट स्ट्राइक्स कराते हैं इंडिया में ये लोग पाकिस्तान में मिलिट्री फोर्सेस को ट्रेन करते हैं प्रोटेक्शन देते हैं पैसा देते हैं तो ये इंडिया का मानना है हमारा ये भी मानना है कि जो खालिस्तानी मिलिटेंट्स हैं उनको भी पाकिस्तान ही सपोर्ट कर रहा है उन लोगों को सारा हथियार ट्रेनिंग ये सब पाकिस्तान कराता है इनकी स्पाई एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई जिसे हम कहते हैं इनकी स्पाई एजेंसी हर टाइप का एंटी इंडिया कैंपेन कराती है नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेश और नेपाल को यूज करके ये हर टाइप का एंटी इंडिया कैंपेन रन करते हैं ठीक है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मानना है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ सारी प्लानिंग कर रहा है तो ये लोग कहते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि सिंध और बलोचिस्तान का जो रीजन है वहां पर इंडिया वायलेंस फैला रहा है ठीक है इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिवर वाटर को लेकर भी डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है तो हमने देखा है 1960 तक तो इंडस नदी को लेकर इंडिया और पाकिस्तान बहुत ज्यादा लड़ते थे फिर 1960 में वर्ल्ड बैंक के हेल्प के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करते हैं एंड इंडस वाटर ट्रीटी साइन करने के बाद हम लोग प्रॉपर एग्रीमेंट बना लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया इंडस वाटर को कैसे शेयर करेंगे इसके अलावा रन ऑफ कच के पास सर क्रीक नाम से एक वॉटर बॉडी है इसके शेयरिंग को लेकर भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं तो यहां पर सरक्रीक है ओके okay? तो इंडिया का मानना है ये जो रेड लाइन दिख रही है ना तुम्हें तो इंडिया क्लेम करती है कि यहां तक हमारी इंडिया की बाउंड्री है ठीक है पर एक ग्रीन लाइन दिख रहा है तुम्हें पाकिस्तान क्लेम करती है कि ये ग्रीन लाइन तक पाकिस्तान का इलाका है तो सरक्रीक को लेकर ये इशू चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ठीक है ये तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन हो गया इंडिया के रिलेशन बाकी आ, बाकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे हैं, वो समझते हैं इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम बात करें इंडिया और बांग्लादेश की भी कुछ कुछ दिक्कतें हैं जैसे कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र को कैसे शेयर करना है इसे लेकर हम लड़ते झगड़ते रहते हैं और बांग्लादेश इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजता रहता है हमारे देश में और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है उस चीज की तो ये हमें बिल्कुल नहीं पसंद है बांग्लादेश रिफ्यूजल टू अलाउ इंडियन ट्रूप्स टू मूव थ्रू इट्स टेरिटरी तो अगर हमें कभी जरूरत हो तो बांग्लादेश के लोग अलाउ नहीं करते कि हम बांग्लादेश के थ्रू अपनी आर्मी को लेकर जाए ये भी हमें नहीं पसंद है ये लोग नेचुरल गैस हमें एक्सपोर्ट नहीं करते हैं ठीक है तो ये सारी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमें पसंद नहीं है जिन मामलों में इंडिया और बांग्लादेश की बनती नहीं है बांग्लादेश का ये मानना है कि इंडिया की गवर्नमेंट साउथ एशिया के रीजन में एक बुली की तरह है ठीक है कि हम बाकी सारे छोटे कंट्रीज को डराते हैं धमकाते हैं हम बुली हैं ऐसा बांग्लादेश के गवर्नमेंट का मानना है ठीक है इनका मानना है कि चित्तागोंग हिल ट्रैक्स में हम लोग वायलेंस को एंकरेज कर रहे हैं और वहां से नेचुरल गैस हम लोग निकालने की कोशिश में है और जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो भी चल रहा है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट भी है ठीक है तो काफी सारे माम, मामलों में इंडिया और बांग्लादेश की नहीं बनती पर कुछ कुछ मामलों में इंडिया और बांग्लादेश साथ में मिलकर भी काम कर रहे हैं जैसे कि इंडिया में जो लुक ईस्ट पॉलिसी है लुक ईस्ट पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि हम बांग्लादेश के ऊपर फोकस करेंगे है ना बांग्लादेश हमारे लिए गेटवे है जिसके थ्रू हम साउथ ईस्ट एशिया म्यांमार इन कंट्रीज को एक्सेस कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के मामले में भी बांग्लादेश और इंडिया साथ में काम कर रहे हैं नेपाल और इंडिया की बात करें तो नेपाल और इंडिया का बहुत ही एक स्पेशल बॉन्ड है आ, अगर हमें नेपाल जाना हो तो हमें वीजा या पासपोर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है तो एक बहुत स्पेशल बॉन्ड है नेपाल और इंडिया का ठीक है पर ऐसा नहीं है कि सब बढ़िया चल रहा है नेपाल के साथ भी हमारी कुछ कुछ दिक्कतें हैं हाल ही में हमने देखा है कि नेपाल और चाइना की दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही है जो कि हमारे लिए एक सही चीज नहीं है हमें ये लगता है कि नेपाल गवर्नमेंट थ्रू चाइना एंटी इंडियन एलिमेंट्स को एंकरेज कर रही है ठीक है नेक्स्ट नेपाल में जो माओइस्ट मूवमेंट है हम उसको भी पसंद नहीं करते हमारा मानना है कि इस माओइस्ट मूवमेंट के थ्रू हमारे इंडिया को भी सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है नेक्स्ट मैनी लीडर्स एंड सिटीजन नेपाल के बहुत सारे लीडर्स बहुत सारे लोग नेपाल में ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि इंडिया नेपाल के मैटर में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है नेपाल का ये भी मानना है कि नेपाल तो यार बेचारी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है पर इंडिया उसे सी का एक्सेस नहीं देती पानी का एक्सेस नहीं देती हेल्प नहीं करती तो ये नेपाल का मानना है ठीक है तो ये कुछ कुछ दिक्कतें चल रही हैं पर हम काफी सारे चीजों में इंडिया और नेपाल साथ में मिलकर भी काम कर रहे हैं जैसे ट्रेड साइंटिफिक कॉपरेशन नेचुरल रिसोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ठीक है इन सारी चीजों को लेकर इंडिया और नेपाल साथ में भी काम कर रहे हैं इंडिया और श्रीलंका के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया और श्रीलंका का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशन है क्योंकि हमने देखा है कि श्रीलंका में तमिल्स को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रही एंड ऑब्वियसली ये मैटर कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट मैटर है कि तमिल्स के साथ गलत हो रहा है श्रीलंका में ठीक है तो काफी लंबे टाइम तक तो अभी तुमने पढ़ा भी कि इंडिया ने श्रीलंका के साथ ज्यादा हम लोग श्रीलंका के साथ ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हुए इस मामले में कि अगर हम घुसेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ठीक है पर इंडिया ने श्रीलंका की मदद भी कर रखी है श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है सुनामी जब यहाँ पर आई थी तो सुनामी के बाद हमने श्रीलंका के रिकंस्ट्रक्शन में भी बहुत ज़्यादा मदद करी थी इंडिया और भूटान की बात करें इंडिया एंड भूटान का बहुत प्यारा बहुत स्पेशल रिलेशन है आ, हमने भूटान के गवर्नमेंट की हेल्प भी कर रखी है भूटान में से मिलिटेंट्स को बाहर करने में ठीक है तो इंडिया और भूटान का काफी अच्छा रिलेशन रहा है बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो होते हैं भूटान में आ, उसमें भी हमने भूटान की मदद कर रखी है ओके नेक्स्ट मालदीव का भी ठीक ठाक रिलेशन है तो नवंबर 1988 में क्या हुआ था श्रीलंका में से कुछ तमिल लोगों ने मालदीव्स के ऊपर अटैक कर दिया था ऐसे में हम लोग बहुत जल्दी पहुंचे थे मालदीव की मदद करने के लिए नेक्स्ट मालदीव्स के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है मालदीव्स का टूरिज्म फिशरीज ये सब इंडिया के लोगों का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में इंडिया के लोगों का बहुत बड़ा रोल है मालदीव्स में टूरिज्म फैलाने में ठीक है तो ठीक ठाक रिलेशन रहा है मालदीव और इंडिया का हाल ही में थोड़ा बहुत ये रिलेशन बिगड़ने लगा है ठीक है मोस्ट ऑफ द रीजन तो इसमें यही है कि चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है बीड बांग्लादेश नेपाल या मालदीव इन सारे नेशंस का क्या हो रहा है चाइना के साथ एक रिलेशन बनता जा रहा है जो इंडिया के लिए एक थ्रेट है ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपको लग रहा होगा कि यार इंडिया हर जगह लड़ाई कर रहा है है ना पाकिस्तान से हमें दिक्कतें हैं बांग्लादेश से दिक्कत है और क्या श्रीलंका मालदीव्स हर एक कंट्री के साथ कुछ कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो क्या कारण है इसके पीछे तो ऐसा नहीं है यार कि हम जान के लड़े जा रहे हैं बस सबसे इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है कि हमारे देश का साइज बहुत बड़ा है है ना तो जब एक बड़ी कंट्री होती है तो जाहिर सी बात है छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं एक और चीज साउथ एशिया में अगर तुम तुमने अभी साउथ एशिया का मैप देखा था ना तो साउथ एशिया के मैप में इंडिया बीच में पड़ रहा है हम सबके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं है ना यहाँ पाकिस्तान है नेपाल है बांग्लादेश है तो सबके साथ हम लोग एकदम बीच में है सबके साथ हमारा कुछ कुछ कॉन्टैक्ट है तो जाहिर सी बात है कि हमारा साइज इतना ज्यादा है देश का हमारा जोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि इंडिया के कुछ कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं अलग अलग देश के साथ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही अलग अलग देशों के साथ कंफ्लिक्ट कर रहा है बाकी कंट्रीज भी अलग अलग कंट्रीज के साथ लड़ती झगड़ती रहती हैं जैसे नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार ये लोग भी आपस में कुछ ना कुछ इश्यूज लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं बांग्लादेश और नेपाल ये लोग रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट में रहते हैं तो कंफ्लिक्ट आपस में ये सारी कंट्रीज करती रहती है नेक्स्ट पीस एंड कॉपरेशन अभी तक तो लड़ाई झगड़े की ही बात चल रही है क्या कोई तरीका है कि हम इस एरिया में शांति मेंटेन कर पाए वो समझते हैं तो इसी के चलते हमने यहाँ पे सार्क बनाया था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन इसके थ्रू हम साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं 1985 में ये स्टार्ट हुआ था पर अनफॉर्चुनेटली सार्क उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है हमने बहुत ज्यादा उम्मीदों के साथ सार्क को स्टार्ट करा था पर सार्क उतना ज्यादा भी सक्सेसफुल नहीं रहा है के जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफता साइन करा था जिसके थ्रू इनका प्लान था कि साउथ एशिया में ये लोग अच्छे से फ्री ट्रेड करेंगे ठीक है ये एग्रीमेंट 2004 तक सबने साइन कर लिया था 2006 से ये एग्रीमेंट को सब फॉलो करने लग गए थे इस एग्रीमेंट में क्या था टैक्सेस को कम करा जा रहा था ट्रेड में जो टैक्स लगता है उस टैक्स को कम करा जा रहा था ताकि सारी कंट्रीज साउथ एशिया की अच्छे से ट्रेड कर पाए पर साफ्ता में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनका ये मानना है कि इंडिया साफ्ता को यूज कर कर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है एंड साफ्ता के जो कंट्रीज हैं वहां पर अपना डोमिनेंस फैला रहा है ऐसा कुछ कंट्रीज का मानना है साफ्ता को लेकर ठीक है पर अगर हम इंडिया के नज़रिए से देखें तो ऐसा नहीं है और हमें तो साफ्ता की उतनी जरूरत भी नहीं है क्योंकि साफ्ता में जो भी कंट्रीज हैं जैसे फॉर एग्जांपल भूटान नेपाल श्रीलंका हमने इन सबके साथ इंडिविजुअली एग्रीमेंट्स बना रखे हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि हम साफ्ता के थ्रू कुछ मतलब डोमिनेंस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा नहीं है नेक्स्ट इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या यहाँ पर पीस आने के चांसेस है तो इंडिया एंड पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स स्टार्ट करें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मतलब आपस में बातचीत करना डिस्कशन करना ताकि वॉर होने के चांसेस कम हो तो हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं ठीक है और हम लोग साथ में मिलजुल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग समिट्स में हमारे लीडर्स मिलते हैं और बातचीत करते हैं अ नंबर ऑफ बस रूट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन हमने बढ़ा दिया है बस रूट बहुत सारे खोल दिए हैं ठीक है ट्रेड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है इंडिया और पाकिस्तान अब ईजिली वीजा दे देते हैं एक दूसरे को ठीक है तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है पर ध्यान रखना कोई भी रीजन वैक्यूम में नहीं रहता वैक्यूम मतलब इंडिया हमें पता मैप में कहा है, है ना तो ऐसा नहीं है कि बस इंडिया को अपने अंदर ही सब कुछ फोकस करना है आसपास जो कंट्रीज हैं उनसे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे देश के ऊपर तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपने रीजन अपने रीजन के कंट्रीज उनका हिस्ट्री उनका बिहेवियर ये सब हमें पता होना चाहिए चाइना और यूएसए इन दोनों का भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है साउथ एशिया के रीजन में ठीक है सीनो इंडियन रिलेशन चाइना और इंडिया के रिलेशन लास्ट टेन ईयर्स में थोड़े थोड़े इंप्रूव हुए हैं पर चाइना और पाकिस्तान के बीच में आजकल दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है ये हमारे लिए एक थ्रेट है चाइना का ये जो पावर का राइज हो रहा है चाइना का ये जो डोमिनेंस बढ़ रहा है ये हमारे लिए डेफिनेटली एक थ्रेट है अमेरिका का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है साउथ एशिया में जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब पाकिस्तान ने यूएसए की टीम को ज्वाइन कर लिया था उस टाइम पर यूएसए और इंडिया के रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे पर अब यूएसए एंड इंडिया के रिलेशन भी धीरे धीरे इंप्रूव होते हुए आ रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहे हैं द लार्ज साउथ एशियन इन द द यूएस एंड ह्यूज साइज ऑफ पॉपुलेशन साउथ एशिया में बहुत ज्यादा लोग हैं साउथ एशिया के बहुत सारे लोग अमेरिका में भी जाकर काम कर रहे हैं और क्योंकि साउथ एशिया में इतने, इतनी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है तो यूएसए के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है साउथ एशिया तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से अमेरिका इस रीजन के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है ठीक है पर अभी इस चैप्टर से हमें आइडिया लगा कि साउथ एशिया के जो रीजन है उनकी आपस में बहुत ज्यादा तो नहीं बनती है ना तो आगे जाकर साउथ एशिया में क्या शांति बनी रहेगी पीस एंड कॉपरेशन हो पाएगा या क्या साउथ एशिया में कंफ्लिक्ट चलते रहेंगे इसे प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है और ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है साउथ एशिया के लीडर्स के ऊपर ठीक है तो अलग अलग कंट्रीज के लीडर्स कौन है उनका क्या अप्रोच रहेगा वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें निर्भर है इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है जल्दी से सारे बच्चे क्लैपिंग कर दो कन्फेटी वाली स्लाइड में लाना भूल गई हूँ पर हाँ कन्फेटी टाइम सो प्राउड ऑफ यू आप लोगों ने एक और चैप्टर का वन शॉट फिनिश कर लिया है भागो मत कुछ चीजें सुनकर जाओ क्लास स्टूडेंट्स आज नौ बजे मैराथन है सोशल स्कूल पर जहां पर हम सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर इश्चन को करने वाले हैं सारे बच्चे एकदम टाइम से आ जाना क्लास ट्वेल्थ तुम्हारा बैच तो फिनिश हो गया है पर ह्यूमैनिटीज में जो बच्चे अभी 11 से 12 में आ रहे हैं उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फिफ्टींथ मार्च से जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे न्यू बैच को ज्वाइन करने में बैच को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा क्लास ट्वेल्थ कहकर एक लिंक दे रखा होगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करो ये पेज ओपन होगा इस पेज में सेलेक्ट करो कि कितने महीने तक आपको हमारा बैच चाहिए उसके बाद यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगा गया है रेफरल कोड में आपको लिख देना है अनुष्या ए एन यू एस एच वाई ए अन अकेडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है जैसे ही तुम यहाँ पर अनुष्या लिखोगे तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा फिर प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो अपना पेमेंट करो और आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आप फ्री में अन अकेडमी के सारे बैचेस को देखना चाहते हो तो अभी हमारे अन अकेडमी में चल रहा है द ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल के थ्रू आप फ्री में एक सेवन डे ट्रायल ले सकते हो हमारे अन अकेडमी के बैचेस का एंड क्योंकि ये फ्री है मेरा मानना है हर बच्चे को ये बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए हर टीचर के क्लास में जाओ उनके क्लास के नोट्स उठा लो क्वेश्चन तो, मतलब, फ्री में है यार फायदा उठाओ इस चीज का आप में हर टीचर के क्लास में जाओ हर जगह से जहां से ज्ञान मिल रहा है उठा लो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री है बिल्कुल ज्वाइन करते टाइम तुम्हें बस एक कोड लगाना होगा और वो कोड है अनुष्या ए एन यू एस एच वाई चलो बच्चों तो आज मेनली मुझे आप लोगों को यही बताना था अब हम लोग आई थिंक हाँ, अब ट्वेल्थ के लिए तो मैंने क्लास नहीं लगाई है अब मैंने टेंथ के लिए लगाई है आज रात को नौ बजे तो हाँ अब हम रात को नौ बजे मिलेंगे ठीक है चलो बच्चों दैट्स इट फॉर नाउ अभी के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट रात को नौ बजे Till then, bye bye, take care and thank you.